जय हिंद बच्चों, बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल चिरांद के विषय में जानकारी प्रदान करूंगी। चिरांद सारण मंडल के मुख्यालय छपरा से लगभग 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चिरांद नामक ग्राम गंगा और पवित्र गंगा और घाघरा नदियों के संगम स्थली के समीप स्थित है। चिरांद छपरा सोनपुर मार्ग से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर में अपनी अभूतपूर्व पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। इसके समीप से सोन तथा पूर्व में गंडक नदियां प्रवाहित हो रही हैं। इस प्रकार चार चार प्रमुख नदियों के समीप अवस्थित चिरांद नवपाषाण युग से लेकर पूर्व मध्यकालीन संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोए है। चिरांद चार नदियों की पवित्रता को भी संजोए है और नवपाषाण युग से लेकर पूर्व मध्यकालीन संस्कृतियों को अपने आप में समेटे हुए है। यह क्षेत्र गंगा नदी की उर्वरक मिट्टी से भरा पड़ा है। अभी भी इसके समीप डोरीगंज घाट से नदी मार्ग से व्यापार हो रहा है। अभी भी यहाँ व्यापार होता है डोरीगंज से। अब इसका उत्खनन कार्य कब हुआ? सर्वप्रथम सन 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में सर डब्ल्यू हंटर इस क्षेत्र के पुरातात्विक महत्व को प्रकाशित किए। तत्पश्चात सन 1952 से 1980 ईस्वी के बीच कार्लाइल ने चिरांद के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान किया, खनन कार्य कराया उन्होंने। उन्होंने बताया कि चिरांद में एक मस्जिद है जिसमें अभिलेख लगा हुआ है। मस्जिद के आसपास पालकालीन प्रस्तर खंभों को भी उन्होंने देखा, परंतु इस स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करने हेतु एएस अलतेकर ने वर्ष 1954 में लिखा, अनेक हिंदू और बौद्ध प्रस्तर प्रतिमाएं भी इस गांव में हैं। यह गांव एक भिंड के रूप में उभरा हुआ है जो लगातार कृषि कार्य के कारण अपना आकार खोता जा रहा है। सन 1962 ईस्वी से चिरांद में उत्खनन कार्य बिहार सरकार की पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय के अंतर्गत प्रारंभ हुआ, जो सन 1962 से 1972 ईस्वी तक चला। वर्ष 1972 ईस्वी के बाद इस स्थल पर उत्खनन कार्य पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में संपन्न हुआ। कई वर्षों तक चले पुरातात्विक उत्खनन कार्य से हमें जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर चिरांद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को 5 भागों में बांटा गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। इसको चिरांद को 5 भागों में उसके सांस्कृतिक पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर 5 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम काल, चिरांद की सबसे प्रारंभिक संस्कृति नवपाषाण युग से संबंधित है। यह मानव सभ्यता के विकास का
वह मील का पत्थर है जहां हमारे पूर्वज अपने घुमक्कड़ी प्रवृत्ति को त्याग कर एक स्थान पर रहने लगे। हालांकि वे धातु के प्रयोग से अनभिज्ञ थे, वह धातु का प्रयोग नहीं जानते थे, फिर भी हड्डी से मिट्टी खोदने के औजार, पेड़ काटने के औजार, पशुओं के चमड़ा छीलने और काटने के औजार आदि बनाना जान गए थे। कुछ समय बाद वे मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीखे, पहले हाथ से फिर चाक से। हड्डी के औजार काफी चिकने और चमकदार हैं। इनमें एक कंघी और एक माला का लॉकेट अत्यंत ही उल्लेखनीय है। हड्डी के ही तकुआ और आंख पर सुरमा लगाने की सलाई पर चित्रकारी की गई है, जो अन्य भारतीय नवपाषाण संस्कृतियों से साम्यता रखती है। यहाँ प्राप्त अनाजों के अवशेष से पता चलता है कि यहाँ के लोग चावल, जौ, मटर, चना, मूंग आदि फसल उपजाते थे। मिट्टी के मन के काफी मात्रा में मिले हैं। इतना ही नहीं, वे उच्च कोटि के पत्थरों का भी प्रयोग करने लगे थे, जिनमें अगेट, चाल्ज़डीनो, जैस्पर आदि के मन के प्रमुख हैं। यहाँ के नवपाषाण युग के अवशेषों का रेडियोकार्बन विधि से काल निर्धारण हो चुका है, जो इसे ईसा से 2500 वर्ष पुराना बताता है। द्वितीय कालव चिरांद के उपर्युक्त नवपाषाण युगीन संस्कृति में तब एक और क्रांति का दौर आया, जब वहां ताम्र युगीन सभ्यता का शुभारंभ हुआ। प्रारंभ में चिरांद में सिर्फ एकमात्र तांबे का टुकड़ा मिला, जिसके साथ पूर्व के नवपाषाण कालीन धूसरित रंग के मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, हड्डी के औजार, मिट्टी के मन के, पत्थर के मन के और पत्थर के छोटे छोटे औजार मिले थे। पत्थर के ही छोटे छोटे औजार प्राप्त हुए थे, मिट्टी के मन के भी प्राप्त हुए थे और आगे चल करके तांबे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लगा। सुरमा लगाने हेतु सलाइयाँ बहुत प्रमुख हैं। मिट्टी के खिलौने भी यहाँ से मिले हैं और पक्षियों की आकृतियाँ इन खिलौनों में अधिक निर्मित की गई हैं। अब चिरांद का तृतीय काल। चिरांद में लौह युग ईसा पूर्व 800 वर्ष के आसपास प्रारंभ हो चुका था। पूर्व की ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रमुख मिट्टी के बर्तन काले और लाल रंग का अभी भी प्रचलित था, परंतु एक नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन का उद्भव हुआ, जो काले चमकीले रंग का था। ये एक नया बर्तन, एक नए प्रकार के बर्तन का उद्भव हुआ जो काले चमकीले रंग का था। ये चिरांद के तृतीय काल से प्राप्त होता है। इसे पुरातत्वविद NBP प्रकार के मिट्टी के बर्तन कहते हैं। NBP नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड एयर। यह पूरे उत्तरी भारत में मिलता है। इसको तेज चाक पर बनाया जाता है और तीव्र आग पर पकाया जाता है, तेज आग पर पकाया जाता है। इस पर चमकीला पॉलिश किया जाता था। संभवतः मौर्यकालीन प्रस्तर मूर्तियों एवं खंभों पर किए गए चमकीले पॉलिश की भांति ये पॉलिश की गई थी। इस सांस्कृतिक स्तर से हमें ऐसा मानव अस्थि अवशेष मिला है, जिसे जलाने के उपरांत बर्तन में रख कर
मिट्टी में दबाया गया था। पुनः इस स्तर से हमें भारत के प्राचीनतम सिक्के पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जिसे आहत सिक्के भी कहते हैं, जिसके साथ पकी हुई मिट्टी की बैलगाड़ी और पशु पक्षियों एवं मनुष्यों की मूर्तियां, पत्थर का कर्ण आभूषण, हड्डियों के तीर, पत्थर की गोला, नवपाषाण युगीन कुल्हाड़ी, तांबे की अंजन शलाका आदि प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय है मिट्टी के पांच घुंघरू। मिट्टी के पांच घुंघरू मिले हैं, इनकी नृत्य प्रियता का प्रमाण मिलता है। इससे ये सूचित होता है कि उन्हें नृत्य में भी अभिरुचि थी और उन्होंने नृत्य का विकास कर लिया था, थोड़ा बहुत तो प्रारंभ किया ही होगा, तभी तो घुंघरू बनाए थे। इसी स्तर से एक मुखौटा मिला है पत्थर के मन के, जिनमें कार्लेनियल, जैस्पर, अगेट, चार्ज़डीनो आदि प्रमुख हैं। अब चतुर्थ काल चिरांद ग्राम से कुषाण काल का अत्यंत पुरावशेष और स्थापत्य के नमूने प्राप्त हुए हैं। इस सांस्कृतिक स्तर को 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य रखा जा सकता है। पंचम काल चिरांद में कुषाण काल के बाद संभवतः आबादी नहीं रही, क्योंकि गुप्त काल के पुरावशेष नहीं के बराबर मिलते हैं। पाल काल एवं कलचूरी राजवंश के समय में पुनः चिरांद महत्वपूर्ण हो गया था। इस अंतिम महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्तर को सन 800 से 1200 ईस्वी के मध्य रखा गया है। तो चिरांद का पांच काल संपूर्ण हुआ। ये चिरांद को पांच कालों में बांटा गया है और अलग अलग काल से प्रमुख पुरातात्विक धरोहरें प्राप्त हुई हैं, जो हमारे भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।